नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंडशिप इन प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, हम कवर करने वाले हैं नामीबिया वर्सेस युगांडा के बीच चौथा T20I मैच है। डी प्लस करेंगे स्टेडियम फुल स्टार वर्जन 4। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले मैचेस की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपने जल्दी से आगे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @RealFWP, आपको फ्रेंडशिप इन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 24,500 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों, मैंने हमसे कुछ फेक चैनल भी बनाए हैं, तो प्लीज़ आपने उनसे सावधान रहना है। और यूजर नेम @RealFWP देख के 24,500 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों, बात करें मैच की, मैच शाम में 5:30 से स्टार्ट होगा। और दोस्तों, मैच होने वाला है यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड विंडोक नामीबिया के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं कि पिच की, तो बैलेंस विकेट के हिसाब से टीम को क्रिएट करेगा। हालांकि दोस्तों, उस ग्राउंड के अंदर जो बैटर्स हैं उनको ही एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, बाउंड्रीज काफ़ी छोटी हैं, जिससे रन स्कोरिंग थोड़ा सा ईजी रहता है। हालांकि दोस्तों, जो मजबूत टीम रहने वाली है नामीबिया की टीम है, तो आप इन्हीं के फेवर में टीम बनाइएगा। आप 160 से 180 के रेंज में स्कोरिंग देख सकते हैं। लास्ट मैच जो हुआ था उसमें दोनों टीमों ने 200 को ऊपर स्कोर किया था। हालांकि उसके पहले जो शुरू के 2 T20 मैच हुए थे उसमें युगांडा ने कुछ खास परफॉर्मेंस बैटिंग नहीं किया था, लेकिन ऑन द पेपर देखा जाए युगांडा की टीम थोड़ा सा कमजोर है, नामीबिया की टीम मजबूत है, और उनको होम ग्राउंड पे मैचेस हो रहे हैं, तो उसका भी उनको एडवांटेज मिलेगा। शुरुआत के 3 गेम जीत के इस सीरीज में 3-0 से नामीबिया की टीम आगे चल रही है, तो इन्हीं के फेवर में अपनी टीम बनानी है और इन्हीं के जीतने के इस मैच में ज्यादा चांसेस रहेंगे। नामीबिया की तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे एमॉन लिंगन, उनके साथ ओपन करने आएंगे निको डेविन। बात करें दोस्तों लिंगन के, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 8 रन किए, उसके पहले 29 और 68 का स्कोर किया हुआ था। इस सीरीज से पहले 13 T20 मैच खेलते नामीबिया के लिए 168 रन बनाए थे, 16 की एवरेज से हैं तो एवरेज बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पे बैटिंग के अनुकूल हालात हैं। सामने वाली टीम का बॉलिंग अटैक भी उतना कुछ खास नहीं है, तो अपनी टीम में आप एज ए प्लेयर जरूर ट्राई कर सकते हो। सामने टीम कमजोर है, तो कमजोर टीम के अंगेज कभी भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। इनके साथ ओपन करने आएंगे निको डेविन, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। इस सीरीज से पहले 16 मैच खेले थे नामीबिया के लिए, 335 रन बनाए थे 22 की एवरेज से। यहाँ पे जो 3 गेम खेले हैं 257 और 27 का स्कोर किया हुआ है, अच्छे पावर हिटर हैं, 160 के आसपास इनका स्ट्राइक रेट है, तो अपनी टीम में आप इनको भी जरूर लेके जाएं। नंबर 3 बैटिंग ऑर्डर रहेगा जी मारवी रेस्कस का, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, बड़ी ऑलराउंडर हैं, कैप्टनसी के एक सेफ ऑप्शन रहेंगे, अलग ही फॉर्म में नजर आए इस टूर्नामेंट में। जो 3 गेम हुए हैं बैटिंग से 80, 34 और 29 का स्कोर था। इस सीरीज से पहले 41 मैच में 979 रन किए थे 32 की ओवरेज से, और जबरदस्त पहुंच इस सीरीज में देखने को मिला। सारे मैचेस में अच्छी खासी बॉलिंग कराई है, 3 ओवर 2 ओवर 4 ओवर, और बॉलिंग भी हर मैच में देखा जाए तो टोटल 3 मैच में इनको 4-5 विकेट मिले हैं, 1 मैच में 4, 1 मैच में 1, तो बॉलिंग आपको 3 ओवर के आसपास डालते हुए देखेंगे। नंबर 3 पे आके बैटिंग करेंगे, कैप्टनसी के एक सेफ ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के अंदर। टू डाउन बैटिंग का तो देखेंगे जान फील्डिंग, हालांकि जान फील्डिंग और जोनाथन स्मिथ का बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो जान फील्डिंग ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इनसे आपको बॉलिंग कंफर्म देखने को मिलेगा। हालांकि जोनाथन स्मिथ ने अभी तक 3 मैच में से किसी मैच में बॉलिंग नहीं कराई, लेकिन ये पार्ट टाइम बॉलिंग, मतलब बॉलिंग तो अच्छा खासा करते हैं, लेकिन इस सीरीज में टीम ने यूज नहीं किया। देखा जाए ओवरऑल स्मिथ को आप एज अ प्लेयर ट्राई कर सकते हो, जोनाथन स्मिथ को आप एज अ प्लेयर ट्राई कर सकते हो, फील्डिंग को आप बतौर कैप्टन वाइस कैप्टन भी यूज कर सकते हैं। लास्ट गेम में देखिए 93 बैटिंग से 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला, उसके बाद 2 ओवर 3 ओवर, तो आप 3 से लेकर 4 ओवर के यहाँ पर इनसे बॉलिंग देख सकते हैं। नंबर 4 के आसपास बैटिंग करेंगे, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन है जैन फील्डिंग, और स्मिथ के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैट फर्स्ट में आप ट्राई कर लीजिएगा, अच्छे पावर हिटर हैं, लेकिन बॉलिंग नहीं मिल रहा तो ठीक ठाक से ही पिकें, सीबीसी मत करें, क्योंकि बॉलिंग के चांसेस बहुत कम है। बात करें जेन ग्रीन के, जो टीम के कीपर हैं, बैट फर्स्ट में ज़्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे, उस कंडीशन में इनको अच्छी खासी बैटिंग मिलेगी। बैट सेकंड में बैटिंग आएगा नहीं आएगा वो काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि वनडे की टीम कितना रन बनाती है। ठीक ठाक से पिक यहाँ फिर भी पिक कर सकते हो, 8, 18 और 32 का 3 मैच में इन्होंने स्कोर किया हुआ है। रॉयल टंबर ने मैंने लास्ट गेम में 3 विकेट निकाले, उसके पहले 1 ही विकेट था 2 मैच में, लेकिन अच्छे बॉलर हैं आप, 4 ओवर आप इनसे देखेंगे, बॉलिंग फर्स्ट होगा तो जित में डालेंगे। लास्ट गेम में युगांडा ने पहले बॉलिंग कराई और 3 विकेट निकाले टंबरमैन ने, उससे पहले दोनों मैचेस में क्या हुआ था, नामीबिया ने सेकंड बॉलिंग करी थी, तो सेकंड बॉलिंग में ट्रम्पलमैन उतने अच्छे पिक नहीं रहते, क्योंकि फिर शुरू में बॉलिंग करके निकल जाते हैं, लेकिन जब बॉलिंग फर्स्ट होता है तो दत्त में कंफर्म डालते हैं, तो बॉलिंग फर्स्ट यदि नामीबिया की आती है तो ट्रम्पलमैन को जीएल में सीबीसी जरूर करिएगा। जेम्स रेंसबर्ग को इनको ज़्यादा बॉलिंग मिला नहीं, लास्ट गेम में 1 ओवर मिला, उसके पहले जरूर 1 मैच में 4 ओवर मिले थे। इस सीरीज से पहले जो आखिरी 4 गेम खेले थे उसमें से 1 ही गेम में बॉलिंग कराई थी, तो पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, इसलिए ये रिस्की ऑप्शन रहेंगे। और ऐसे जैक ब्रूसल की बात करें, लास्ट गेम इन्होंने भी बॉलिंग नहीं कराई, उसको पहले 3 और 1 ओवर डाला था। एच पिकिया फ्रांस की बात करें,
दोनों मैच में 4-4 ओवर की बॉलिंग कराई है, एक एक विकेट निकाला है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और बेन सिकोंगो को लास्ट गेम में एक विकेट मिला, पहले गेम भी एक विकेट मिला था, तो एक आध विकेट निकाल सकते हैं, जीएल में आप ट्राई करें। ये दोस्तों इनके कुछ बेंच के प्लेयर हैं जो कि शायद आपको ना खेलते हुए नजर आए। तो दोस्तों आपके सामने प्लेइंग 11 है नामीबिया का, जो कि आपको यही देखने को मिल सकता है, और बैटिंग ऑर्डर भी लगभग यही रहना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इस मैच की, मैं दूसरी टीम रहने वाली है, बात कर लेते हैं युगांडा का। लेकिन उससे पहले बता दूं आपको जो फाइनल टीम इस मैच का मिलेगा टॉस के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का क्लिक करके तुरंत टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें। 24,500 ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी हमें ज्वाइन करके रखा है। बात कर लेते हैं युगांडा टीम्स की, और लेकिन दोस्तों युगांडा की टीम तीन के तीनों मैच हार के आ रही, और इस टीम के पास यदि एक और मैच आ रही तो इनकी सीरीज भी गई। और उस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे रोनाल्ड लुटिया, इनके साथ ओपन करने आएंगे रॉबिन्सन ओबीआई। बात करें दोस्तों रोनाल्ड की, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 25 की, उसके पहले 2-54 का स्कोर था, एक अच्छी पिकअप के लिए हो सकते हैं बैटिंग सेक्शन से। रोटेशन में आप जरूर ट्राई करें, ठीक ठाक से पिक रहने वाले हैं, हालांकि सामने वाली टीम का बॉलिंग अटैक तगड़ा है। रॉबिन्सन ओबीआई ओपन करेंगे, दो मैच जो आखिरी खेले हैं 27 और 22 किया हुआ है, इससे पहले इनका 12 का एवरेज था, इनका 20 का एवरेज था, तो दोनों ही ठीक ठाक से पिक हैं, आप एक एक करके रोटेट कर लीजिएगा, दोनों से आप बहुत ज़्यादा स्कोर की उम्मीद नहीं कर सकते। नंबर तीसरा बैटिंग ऑर्डर रहेगा केनेथ वेस्टवा, जो कि राइट हैंड बैट्समैन राइट मीडियम है, तो एवरेज ऑलराउंडर, लेकिन ठीक ठाक पिक रहेंगे क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं आजकल। लास्ट गेम में 3.5 ओवर डाले, एक विकेट लेस, उसके पहले 3 ओवर डाले, उसके पहले 2.2 ओवर डाले, तो 2 से 3 ओवर, कभी कभी 4 ओवर डाल जाते हैं, मतलब 3 ओवर के आसपास ही बॉलिंग कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग से 1-26 और 21 का स्कोर है, तो दो मैच में 20+ का स्कोर बैटिंग से किया है। तो एज अ प्लेयर आप ट्राई कर लीजिए, एक आध विकेट इनको मिल जाता है, बैटिंग से 20-25 कर जाते हैं, तो आपको ठीक ठाक पॉइंट देकर जा सकते हैं। अल्पेश रामजनी की बात करें, लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स, लास्ट गेम में 4 ओवर डाले, विकेट लेस रहे, उसके पहले 4 में 2 20 रन, उसके पहले 4 में 3 55 रन, तो शुरुआत के दोनों गेम में गजब का इनका परफॉर्मेंस था, लास्ट गेम में विकेट लेस रहे। लेकिन आप अपनी टीम में रखना जरूर, सीबीसी भी आप चाहो तो बना सकते हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे, 4 ओवर की बॉलिंग करेंगे और 2 डाउन नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे। दिनेश नागरानी ने लास्ट गेम में, तो भाई इनके नाम ही लगता है, लास्ट गेम बना था 100 किया, उसके बाद 4 ओवर डाल के 3 विकेट निकाले, मतलब कभी कभी ऐसा होता है यदि किसी कोई ऑलराउंडर होता है यदि बॉलिंग से अच्छा करता है तो बैटिंग भी अच्छा कर जाता है, और यदि पहले बैटिंग में अच्छी की है तो फिर सेकंड में बॉलिंग भी अच्छा करता है, ऐसा होता है अक्सर, वैसे कुछ देखने को मिला दिनेश नागरानी के साथ। पहले शुरुआती जो 2 गेम खेले थे वहाँ पे 1 विकेट भी मिला था, लेकिन लास्ट गेम में 3 विकेट निकाले प्लस 100 भी किया, तो बढ़िया ऑलराउंडर है, कैप्टन वाइस कैप्टन आप इनको भी बना सकते हो, काफ़ी लोग इनको सीबीसी करके जाएंगे, तो तीनों ही प्लेयर, मतलब ये जो दो है ना, ये दो सीबीसी के अच्छे ऑप्शन है इस टीम से। ब्रायन मसावे की बात करें, लास्ट गेम में 21 किया, उसके पहले 3 ओवर डाले, उसके पहले 1 ओवर डाले, तो बॉलिंग रिस्की रहता है, बैटिंग ऑर्डर भी नीचे आप छोड़ सकते हैं, और इस टीम के जो कीपर है उनको तो भाई छोड़ ही जाएगा, बैटिंग तो आएगा नहीं जल्दी। फ्रैंक नसबुका की बात करें, 2-3 ओवर डाल सकते हैं, ग्रैंडली ट्राई कर सकते हो, ओलोका अंडर 19 के प्लेयर है, लास्ट गेम में बैटिंग बॉलिंग कुछ मिला नहीं। बिलाल हसन इस टीम के एक ऐसे बॉलर हैं जो अपने 4 ओवर लगभग पूरे करते हैं, सारे मैचेस में 4-4 ओवर डाला है, एक ही विकेट मिला है, लेकिन डेथ में बॉलिंग करते हैं इस टीम के लिए, इस टीम को पहले बॉलिंग आता है ना तो आप जरूर ट्राई कर लीजिए, सिलेक्शन भी बहुत कम होगा। और बगुमा को एक ही ओवर मिलता आप छोड़ सकते हैं, ये इनके कुछ बेंच वाले प्लेयर हैं शायद ना खेलें। तो दोस्तों ये लाइनअप था लास्ट मैच में युगांडा का, और बैटिंग ऑर्डर भी ये देखने को मिला था, यदि कुछ चेंजेस होंगे दोनों टीम के प्लेइंग 11 में तो चेंजेस आपको हमारे टेलीग्राम पर पता चल जाएंगे, और जो मेरी फाइनल टीम होगी जिस टीम से मैं खेलूंगा वो भी मैं अपने साथ आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जहाँ पे 24,500 ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर रखा है, जोड़ना बिल्कुल फ्री है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप भी टेलीग्राम पर हमें आकर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच की टीम की, दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में जेन ग्रीन के साथ जा रहा हूँ, स्मॉल लीग में ही बेहतरीन ऑप्शन है, सारस काकरू वगैरह कुछ खास पिक है नहीं और कोई खेलेगा नहीं। बात करें बैटिंग सेक्शन की, ऐसे एमॉन लिंगन मस्ट है पिक रहेंगे, दूसरे दोस्तों मैंने ऐसे निको डेवन को लिया हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब जो लोग ऐसे पे खेले हैं अभी तीसरा बैटर लेना है वो लोग ट्राई कर सकते हो, यहाँ से आर लुटाया या फिर यहाँ से रॉबिन्सन ओबिया में से किसी एक को, तो वो लोग ट्राई कर लेंगे, जो ऐसे पे खेले हैं पे तीन बैटर लेना है, मैं दो ही बैटर के साथ जा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन मैंने 5 प्लेयर लिए हैं, दिनेश नागरानी हो गए, जी मारवी रेस्मस हो गए, जान फ्रेडलिंक हो गए, और नीचे देखेंगे अल्पेश रामजनी, ये जो चारों प्लेयर हैं ना ये चारों आपकी टीम इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनमें से आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते, तो ये चारों ना ट्राई कर लीजिएगा, सीधे सीधे रख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे 5वां जो ऑलराउंडर लेके जा रहा हूँ केनेथ वेस्टवा लेके जा रहा हूँ, हालांकि मेरी टीम अभी जे स्मिथ नहीं है, आफ्टर टॉस मेरी टीम में आ सकते हैं, कब जब इनकी नामीबिया की टीम का पहले बैटिंग होगा उस कंडीशन में उनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बॉलिंग नहीं कर रहे इसलिए फिर मुझे एवरेज पिक लगे, देखते हैं आफ्टर टॉस यदि पहले बैटिंग होगा तभी ट्राई करूंगा, तो पहले बॉलिंग होगा इनके टीम सेकंड में बैटिंग आएगा नहीं आएगा उस हिसाब से मैं छोड़ भी सकता हूं, तो वेस्टवा और स्मिथ आफ्टर टॉस डिसाइड करेंगे किसको लेना है। बात करें दोस्तों बॉलिंग सेक्शन के, ट्रंबल वन इंपॉर्टेंट रहेंगे, एच या फ्रांस इंपॉर्टेंट रहेंगे, और दोस्तों बिलाल हसन अभी के लिए मेरी टीम में, यदि पहले बॉलिंग आएगा युगांडा का तभी मेरी टीम में बिलाल हसन रहेंगे, लेकिन यदि पहले बैटिंग आ जाएगा युगांडा का शायद मैं इनकी जगह यहाँ पे बी सी कांगो को ले लूँ, जो कि बॉलिंग फर्स्ट में अच्छा कर सकते हैं। बात करें कैप्टन वर्स कैप्टन टीम की फाइनल रिव्यू की, दोस्तों कैप्टन में करा हुआ है जी मारवी रेस्मस को, वाइस कैप्टन दोस्तों मेरे रहने वाले हैं जान फ्रेडलिंक, दोनों ऐसे प्लेयर जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, मारवी रेस्मस आपको 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग करते नजर आएंगे, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, फ्रेडलिंक आपको नंबर 4 पे बैटिंग करते नजर आएंगे, पर सीबी 3 से 4 ओवर डालेंगे, तो हमारे सीबीसी हैं। अब जिन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना है तो कैप्टन वर्स कैप्टन रिवर्स कर सकते हो, दुनिया क्या करने वाली है, कैप्टन सब लोग उन्हीं को बनाएंगे स्मॉल लीग पे, वाइस कैप्टन सब ज्यादा लोग दिनेश नागरानी कर गएंगे, उसके बाद
अल्पेश रामजनुक करके आएंगे। सेफ खेलना है तो आप इन दोनों को बीसी कर सकते हो। मेरे बीसी हैं जान प्रलिंग, मैं पहले मैच में इनको बनाया था, अब भी मैं इनको बनाऊंगा। मेरे भी लास्ट मैच में देखिए उन्होंने करके भी दिखाया किस कैलिबर का प्लेयर है। तो चार प्लेयर अच्छे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के स्मॉल लीग के अंदर, ग्रैंड लीग के अंदर भी। और ग्रैंड लीग में जिन अभी पहले बॉलिंग आता है तो ट्रम्बलमैन को भी आप सीबीसी कर सकते हो। बाकी बैटिंग से जो दोनों ओपनर हैं आप उनको जीएल में बना सकते हैं। बहरहाल स्मॉल लीग का टीम है ये, लेकिन इस टीम में भी कुछ भी चेंज होंगे तो जो मेरी फाइनल टीम होगी अफ्टर टॉस में अपनी टीम आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लें। 24,500 से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी हमें वहाँ ज्वाइन करके रखा है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सारे मैचेस की वीडियो समय से मिलती रहे। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम ट्विटर का भी लिंक है, तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। और मिलते हैं टेलीग्राम पे। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।